हमरे लगा जे भागे ना रुको तो हम लगा तो बस ये रंगा कहां है बाबा रंजन आयर को हम अभी ये लगाई ए क्यों रे ए चला मुने कम बाड़े ओखरी नाई लागे चलो ओखरी रचखना जाए ओखरे क्यों ना लगाए है क्यों नहीं लगाया अभी तक चलो चल अब देख के चला चला लगाई अब देख पूरा रख के एकदम काला फूल अयो ले लेते हैं उबल ले चला ये देवे बाल्टी में भरे भरे रहे बाड़ा वाला है दिया कितने दिया आइए रखिए वाटर बाल्टी दिखाई तो ओबली हो जाए बच्चा बाप भूरे के बाबा के लगावा जाए हां कोई मजा आए तो रुको देख लिया कर कर रहा है क्यों रे ये देखो तो कट ले दाब में अंदर खाली अच्छा अच्छा चले बस बस रहा इधर हाय दे रहा है तो तार कपड़ों में लगी तो छूटी नहीं तो अम्मा मरबो कहीं देखा तो भैया इतना गुब्बारा है अब लेके चलते माए से भर 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 पहले आप घूम के बैठो नमाज पढ़े जाए के दिक्कत आई जाए अच्छा नमाज पढ़े जाए के टाइम के लागी नहीं रंगा आए बाबा धर्म के बात पूजा पाठ में सब हमन के साथ दिए तो इनके नमाज
चलो चलो हमारे साथ है तोरे हमारे माधी तक तो पहुंचा काई था अगर क्यों एक रंग लगा दीस ना। चलो चलो मेरे साथ है आओ भैया चलो चलो हमारे है साथ है चलो कोई ना चलो हाथ आ चाहिए हाथ लगा दी या कि किच्चे रंग ना पड़े दिया भाई ये यहाँ देखो इतने चमक धमक के आवाज है लेकिन तो चल लगाई देना इतने यार मने का है मने तो लगा है आज हुआ तो हुआ है भाई लगाई देना इतने है हाँ भले सब लोग लगाए हैं नहीं मनुक लगवाए कोई हाथ ना लगाए एक बात बता दी बताओ क्या लगवाए कोई कि ना जान तो एक जगह खुईया कह दी खुईया खुईया गर्दा कह दी गर्दा नमाज पढ़े जात है हाथ नहीं लगा चलो सहायता करो अगर जो नहीं मिली जेका लगा ना देख चलो सहायता करे पई हो योजना लगाओ एक बात बता दी था बूटी बूटी करके गया अरे तो हमारे छोड़ा जाए अभी बैठो यार भर में क्यों बाकी चलो आपके हम घरे छोड़ के आई राहिम क्यों कैच नहीं कर दिया चलो अरे हमें छोड़ के कहाँ जाते हो घरे छोड़ा ले चलता हूँ ना तो सही है लेकिन ऐसे सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्ते ये हमारी छोटी सी एक टीम है तो हमारा वीडियो आप लोग को कैसे लगा हमको आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा मस्त लगा होगा तो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग आपस में अगर मिलके रहेंगे जैसे पांच उंगली अगर ये बन जाएगा तो एक मुट्ठा हो जाएगा और मुक्का अगर पड़ेगा तो जानते हो कितना तेज होता है। अगर एक उंगली से मारोगे क्या जान पड़ेगा कुछ नहीं। अगर मुक्का बन जाता है अगर उससे मारोगे तो बहुत मजबूत हो जाता है। तो ऐसे हमें आपस में मतलब भाई भाई है ये नहीं कि तुम हाँ मिलजुल के रहना चाहिए नहीं कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो तुम सिख हो तुम ईसाई हो हम तुम्हारे त्यौहार में नहीं जाएंगे आप हमारे त्यौहार में नहीं आओ। तो हमारा हिंदुस्तान है इसका मतलब ये है कि हमें एक रहना चाहिए। तो सभी दोस्तों से अब हम विदा लेना चाहते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार जय हिंद जय भारत।